हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द एंगुलर प्रोजेक्ट सीरीज़। माय नेम इज़ अनिल। ये हमारे प्रोजेक्ट की नाइन्थ वीडियो है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जो एंट्रीज़ हैं इनको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। आपने बहुत जगह पे देखा होगा जब कुछ ऐसी एंट्रीज आती हैं सीआरएम के अंदर जहाँ पे ऑपरेशंस बन जाते हैं और यहाँ पे डिलीट का आइकन, एडिट का आइकन ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर यहाँ पे डिलीट का आइकन लगाएंगे, ऑपरेशन बनाना शुरू करेंगे और यहाँ से किसी एक को क्लिक करने के ऊपर डिलीट करके देखेंगे, ठीक है। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं रेस्टोरेंट को, और बहुत सारी वीडियोस आई हुई हैं हमारी, 7-8 वीडियो आ चुकी हैं। तो उनको देखने के लिए लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। इस वीडियो के पॉइंट्स हैं बेसिकली ये, देखो। डिलीट ऑपरेशन करने के लिए मैं फॉन्ट्स ऑसम जो आइकन्स हैं वो यूज़ करने वाले हैं, तो उनसे हम आइकन ऐड करेंगे। उसके बाद में एक डिलीट एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है। सर्विस के अंदर एक डिलीट एपीआई बना लेंगे और उसको यहाँ से जो बटन बना के यहाँ पे डिलीट का आइकन के उसके क्लिक के ऊपर उस एपीआई को कॉल करेंगे, डिलीट करेंगे इस एक एंट्री को डेटाबेस के साथ में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फोटो सम आइकन्स लेता हूँ। सो जस्ट राइट हियर, फॉन्ट ऑसम आइकन सीडीएन के ऊपर जाता हूँ। तो आप ज़्यादा राइट जहाँ पे हम W3C वाले देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ का लिंक बहुत ईजी होता है, वहाँ से हम सीडीएन हमें ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये है। सो देखिए यहाँ पर बहुत ईजी है, हम ये एक लिंक उठाएंगे, यहाँ पर लिंक वाला टैग है जो, इसको उठाएंगे और हमारी जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है इसके अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वो आपको मिलेगी SRC फोल्डर के अंदर यहाँ पे, ठीक है। सो इसके अंदर हम जैसे सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको कम्प्लीटली दिखे ये स्क्रीन इस तरीके से, ठीक है। ये करने के बाद में बस हमें कुछ नहीं करना। अब जो आपको आइकन ऐड करना है ना, वो आप आइकन ईजिली ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं ये वाला आइकन उठा लेता हूँ यहाँ से, और अब मैं जाता हूँ हमारी जो एग्जैक्टली जो स्क्रीन जिसके अंदर हमें काम करना है उसके अंदर, लिस्टिंग के अंदर और HTML के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे एक और TH बना लेता हूँ TH, और इसके अंदर मैं इसको बेसिकली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो स्टाइल के अंदर मैं थोड़ा सा इसका आइकन छोटा रखूँगा, अभी इतना बड़ा आइकन मुझे रखने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पे 30 पिक्सल रख लूँगा। और यहाँ पे एक और हेडर के अंदर भी एक TH बना दूँगा बेसिकली, और इस TH के अंदर मैं इसका नाम दे दूँगा, लेट से ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशंस, क्योंकि बाद में और भी ऑपरेशंस आने वाले हैं, ठीक है। सो इसके अंदर स्कोप कॉल दे दूंगा कि कितनी स्कोप कॉल है इसका, तो मैं इसका कॉल दे दूंगा एक। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग हियर। ओके, सो यहाँ पे कार का आइकन आ गया, सो हम इसको चेंज कर देते हैं। इसको आइकन को चेंज कर ले, कार की जहाँ पे ट्रैश लिख रहे हैं, जैसे आप ट्रैश लिखोगे तो यहाँ पे आपको डिलीट वाला आइकन दिख जाएगा, ठीक है। रिमूव के आपको रिमूव लिखोगे यहाँ पे तो भी आपको मिल जाएगा आइकन, बट वो क्रॉस वाला आइकन मिलेगा। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसको लाइक दिस, ठीक है। सो अब इसके कॉल के ऊपर मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा इसके क्लिक के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे बना ही देता हूँ सिंपली, ठीक है, आई के क्लिक के ऊपर बना देंगे। सो जस्ट राइट हियर क्लिक, और क्लिक के ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे एक फंक्शन का नाम। सो मैं लेट से फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ डिलीट रेस्टो, और इसके अंदर मैं यहाँ से चाहूँ तो आईडी पास कर दूंगा जो यहाँ पे मुझे आईडी मिल रही है, ठीक है, item.id। सो जस्ट राइट हियर item.id। ऑलराइट, सो अब मैं यहाँ पे आके इस फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ बेसिकली। राइट, सो इस फंक्शन को मैं डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा लाइक डिलीट रेस्टो, और इसके अंदर हमें एक आइटम मिल जाएगा जो हमारी आईडी होगी बेसिकली, और इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो देखने के हमें क्या हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, console.phone लगा के देखते हैं सिंपली, console.won, और यहाँ पे लिखते हैं आइटम कि जिस क्लिक के ऊपर जिस आइटम पे क्लिक कर रहे हैं उसकी वैल्यू मिल भी रही है नहीं मिल रही है। सो लेट्स ट्राई टू क्लिक समवन, यस हमें उसकी सही वैल्यू मिल रही है, परफेक्ट। सो ये वैल्यू मिलने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करते हैं कि सर्विस के अंदर जाके एक डिलीट के लिए सर्विस कॉल करते हैं, ठीक है। सर्विस आपको पता है हमारी ये वाली फाइल बनी हुई है जिसके अंदर बेसिकली अभी यूज़ कर रहे हैं रेस्टो सर्विस डॉट टी एस, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे सिंपली डिलीट रेस्टो करके, डिलीट रेस्टो, राइट, और ये भी बेसिकली अपने आप में एक यहाँ पे पैरामीटर लेगा। सो लेट से इसके अंदर भी आईडी ही आएगी यहाँ पे। सो अब हम जब यहाँ पे इसको रिटर्न करेंगे, सो हम इस तरीके से रिटर्न करेंगे रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट डिलीट, और डिलीट के अंदर हम फंक्शन के अंदर हम बैकटिक्स ले लेंगे यहाँ से। बैकटिक लेने के बाद में हम लिख सकते हैं लेट्स से डॉलर, और डॉलर के बाद में दिस डॉट URL, ऑलराइट,
और इसके बाद हम स्लैश यूज़ कर सकते हैं, फिर से डॉलर और उसके बाद में आईडी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट यहाँ पे यूआरएल बन गया है। सो इसको हम थोड़ा फॉर्मेट भी कर सकते हैं चाहे तो, परफेक्ट। सो अब आते हैं वापस में, इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम लिस्टिंग वाले कंपोनेंट से। अभी मैं इसको यहाँ से अभी के लिए इसको कंसोल को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे बेसिकली लिखता हूँ दिस डॉट, जो हमारी सर्विस का नाम है वो रेस्टो डॉट डिलीट सर्विस, और इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा जो आइटम यहाँ से आ रहा है वो। उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब कुछ इस तरीके से होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ से मेरा रिजल्ट मिलने वाला है लेट से रिजल्ट, जो कॉल बैक के अंदर मेरा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली इसको हमें एज एन कॉल बैक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा इस तरीके से, राइट। तो अभी के लिए मैं इसको हटा भी सकता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं रिजल्ट, इट इज राइट हियर कंसोल डॉट वन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिजल्ट कि रिजल्ट हमारा आया क्या है, ठीक है। बेसिकली रिजल्ट जो हमारा आएगा वो ब्लैंक होगा, उसके अंदर कुछ भी डाटा नहीं आना चाहिए अगर हमारा एपीआईस वगैरह सब तरीके से हिट होती है तो, ठीक है। अब हम इसको हिट करके देखते हैं, नेटवर्क के अंदर भी देखते हैं कि एक ही रिक्वेस्ट जानी चाहिए। देखिए जब भी मैं किसी को अब आइटम को डिलीट करूँगा ना, तो देखिए एरे स्टार्ट होता है हमारे 0 से स्टार्ट होता है, बट हमारी ये 1 2 3 5 से स्टार्ट है, तो इसीलिए जो भी हमें आइटम डिलीट करना पड़ेगा ना यहाँ से हम सेंड करेंगे बेसिकली, तो हम यहाँ पे -1 करना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये हमारी लिस्टिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, इसीलिए। ऑल राइट, सो यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट वाले आइटम को डिलीट करूँगा। जैसे मैंने क्लिक करा आपको देखा कि अपनी 6 आईडी चली गई, और जैसे ही 6 आईडी गई है हेडर के अंदर क्या क्या गया देखते हैं। लेट्स कम हियर, और हेडर के अंदर यहाँ से डिलीट ए पे गई है और रेस्टोरेंट 6 गया है, और जब रिस्पॉन्स आया तो ब्लैंक यानी कि आईडी डिलीट हो गई है। बट देखिए यहाँ से तो वो डिलीट हो गई है, दैट्स परफेक्ट, बट यहाँ से भी तो नहीं हटी ना वो, हटनी तो यहाँ से भी चाहिए थी। अब हमें पता कैसे चला कि डिलीट हुई कि नहीं, अब मैं रिफ्रेश करूँगा मुझे तो पता चलेगा कि वो आईडी डिलीट हो गई है, ठीक है 6 वाली, बट ऐसे तो हमें पता नहीं चल रहा। ऑलराइट, सो आई थिंक मुझे यहाँ पे -1 नहीं भेजना, मुझे सेम आईडी ही भेजनी है। जब मुझे यहाँ से एरे में से हटाना पड़ेगा तो मुझे -1 करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर से ऐसा कुछ करूँगा कि ऐसा एक फंक्शन वगैरह कुछ लिखना पड़ेगा कि जैसे ही हम यहाँ से डिलीट करें ए पे से डिलीट हो तो इसमें से भी डिलीट हो जाए डाटा, रिफ्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े हमें, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे मैंने कलेक्शन ले रखा है इसको मैं एरे टाइप का डिफाइन करता हूँ, ठीक है। सो जस्ट राइट हियर एनी, और एन के बाद में हम इसको एरे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको करना क्या पड़ेगा हमें, देखिए जैसे हमारा रिजल्ट यहाँ से वापस आ जाता है तो हमें यहाँ पे लिखना है दिस डॉट कलेक्शन कलेक्शन, ठीक है। जो कलेक्शन होगी डॉट स्प्लाइस, SPLICE स्प्लाइस, स्प्लाइस के अंदर से आइटम -1, ठीक है, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है और आईडी हमारी उससे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे -1 उसमें से एक डिलीट हो जाए। मान ले कि यहाँ से हमने 7th क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 है, बट एरे तो 0 से स्टार्ट होता है हमारा, तो वो एक कम डिलीट करना पड़ेगा हमें, तो इसीलिए हमें यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। तो ये माइनस हो गया कोमा, उसके बाद में इसको जो स्प्लैश होता है वो पैरामीटर लेता है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता, 2 का मतलब ऐड करना होता है और 1 का मतलब होता है इसको रिमूव करना, तो यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें क्या मिलता है यहाँ से, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि 0 वाले इंडेक्स की बात में क्या कर रहा हूँ आपके साथ यहाँ पे, ठीक है, कि आपको ये भी समझ में आया कि इंडेक्स वाला क्या है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे 7th को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, कंसोल भी क्लियर करता हूँ, सब कुछ क्लियर करता हूँ। 7th को जैसे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे 7 आया मेरे पास, ठीक है, बट टेक्निकली मेरे पास वो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 होना चाहिए था, इसीलिए उसकी आईडी जो जा रही होगी वो 6 जानी चाहिए थी। सो नाउ लेट्स सी कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ है 7th वाली आईडी वाला, वो डिलीट हो गया बट यहाँ से रिमूव नहीं हुआ। लेट मी चेक कि वो रिमूव क्यों नहीं हुआ, अगर मैं इसको उठा के इसको पहले लिख देता हूँ यहाँ से ताकि वो एरे के अंदर आइटम हो तब तक, और जस्ट कॉपी इट फ्रॉम
फ्रॉम हेयर एंड पेस्ट इट हेयर, और कलेक्शन के अंदर भी देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। सो अब हम यहाँ से फिफ्थ आईडी डिलीट करने की कोशिश करते हैं, मैं फिफ्थ पे क्लिक करूँगा। हाँ यस, अब देखिए अब ये फिफ्थ आईडी चली गई है, और यहाँ पे जो हमारे पहले पांच का एरे था अब जो कि अब चार का रह गया, एक और आईडी डिलीट हो गई है यहाँ से, ठीक है। सो इस तरीके से काम कर रही है। अगर अभी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।